तो हेलो गाइस, मेरा नाम है असलान खान और आप देख रहे हैं इंडियन एक्शन। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही मजेदार क्यों होने लगी, क्योंकि आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ टॉप 12 स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री। तो देख लेते हैं ये कौन सी कंट्री है जो बहुत ही स्ट्रांग है और फिर बहुत करेंगे इसकी बातें। लेकिन अगर आप उससे पहले नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस, चल के देख लेते हैं ये वीडियो, फिर करेंगे उसके बाद। Let's play. Country impossible. पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग कंट्री काफी मिलिट्री के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग है। सब्सक्राइब करें मिस्टर कमरान चैनल को और प्रेस करें इनका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका आप चैनल जाके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले साथ ही मुझे भी सपोर्ट कर लीजिए। आप सभी लोगों का वेलकम है इस वीडियो में। तो ये वीडियो है उन 12 कंट्रीज के बारे में जिनको कोई भी कंट्री जंग के जरिए हरा नहीं सकता और कोई भी कंट्री इन कंट्रीज पे कब्जा नहीं कर सकता। तो अब जान लेते हैं 12 स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल कंट्रीज के बारे में, देखते हैं कौन सी पावरफुल है। नंबर 12 ईरान। ईरान मिडिल ईस्ट का एक पावरफुल कंट्री है। मिडिल ईस्ट का ईरान के इतने एनिमी हैं कि इनकी एक पूरी लिस्ट है। मिडिल ईस्ट की तमाम वॉर्स में ईरान शामिल रहा है, लेकिन ईरान का कोई भी दुश्मन कंट्री आज तक ईरान में घुस नहीं पाया। इसकी खास वजह ईरान की ज्योग्राफिकल लोकेशन है। ईरान के चारों तरफ ऊंचे और खतरनाक पहाड़ हैं। इन पहाड़ों में ईरान आर्मी के बंकर्स हैं और इनमें ईरान आर्मी के स्पाई सोल्जर 24 घंटे मॉनिटरिंग करते हैं। इसके अलावा ईरान के पास अंडरग्राउंड मिसाइल नेटवर्क भी है जो पूरे ईरान में फैला हुआ है। ईरान के पास 500,000 मिलिट्री सोल्जर्स हैं, 1,700 टैंक्स हैं, 140 फाइटर एयरप्लेन्स हैं और दुनिया के एडवांस्ड न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। अच्छा, इसलिए किसी भी कंट्री का ईरान पर हमला करना मुश्किल होने के साथ नामुमकिन भी है। नंबर 11 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जियोग्राफिक लोकेशन बहुत कमाल की है। ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया के 7% एरिया पर जंगल और डेजर्ट्स हैं। इनमें आपको हजारों किलोमीटर तक कोई इंसान नजर नहीं आएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ज्यादातर पॉपुलेशन समुंदर के पास रहती है। यूएसए और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के अलाइज हैं, यानी इन दोनों कंट्रीज की ऑस्ट्रेलिया को पूरी सपोर्ट हासिल है। ऑस्ट्रेलिया के नजदीक तरीन एनिमी कंट्री जापान है और जापान ऑस्ट्रेलिया से 11,000 किलोमीटर दूर है। अगर जापान ऑस्ट्रेलिया से जंग लड़ने पहुंच भी जाता है, जैसे जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में किया था, तब जापान के पास न पीछे भागने का रास्ता होगा और न आगे लड़ने का। इससे यह साबित होता है कि ऑस्ट्रेलिया पर हमला करना या ऑस्ट्रेलिया को हराना नामुमकिन है। नंबर 10 स्विट्जरलैंड। जो कि पूरी दुनिया में स्विस चॉकलेट्स और स्विस वॉचेस की वजह से मशहूर है, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि स्विट्जरलैंड दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में शामिल है। इस कंट्री का सबसे बड़ा एसेट स्विस बैंक है। पूरी दुनिया में स्विट्जरलैंड का कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि दुनिया के सुपर पावर कंट्रीज फ्रांस, जर्मनी, यूके और यूएसए स्विट्जरलैंड के बेस्ट फ्रेंड हैं। इसके अलावा इस कंट्री के चारों तरफ से अल्पाइन माउंटेन हैं। इन पहाड़ों में आर्मी के खुफिया बंकर्स हैं, इसलिए स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर 24 घंटे आर्मी सर्विलेंस रहती है। इस तरह इस कंट्री पर हमला करना और इस कंट्री पर कब्जा करना नामुमकिन है, बहुत ही मुश्किल है। नंबर 9 नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया भी दुनिया के स्ट्रॉन्ग कंट्रीज में शामिल है। नॉर्थ कोरिया के पास 12,00,000 एक्टिव मिलिट्री सोल्जर्स हैं, 4,200 टैंक्स हैं और 458 फाइटर एयरप्लेन्स हैं। यहां तक कि जब नॉर्थ कोरिया ने यूएसए को वॉर की धमकी दी थी, तब यूएसए में लोगों ने अंडरग्राउंड घर बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के लोगों को मौत का कोई खौफ नहीं है, जिसकी वजह से अमेरिका जैसा स्ट्रॉन्ग कंट्री भी नॉर्थ कोरिया से डरता है। इन सब के अलावा नॉर्थ कोरिया की चाइना के साथ दोस्ती भी नॉर्थ कोरिया को मजीद मजबूत बनाती है। इस तरह नॉर्थ कोरिया पर अटैक करना भी खतरनाक और नामुमकिन है। नंबर 8 यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम भी एक तरह से एक आइलैंड कंट्री है और किसी भी आइलैंड कंट्री पर हमला करना बहुत मुश्किल होता है,
लेकिन अगर मुकाबले में यूनाइटेड किंगडम हो तो ये काम इम्पॉसिबल हो जाता है। वर्ल्ड वार टू में जब नाजी इंग्लैंड में ईस्ट साइड से घुसना चाहते थे, तब व्हाइट क्लिफ ऑफ डोवर्स की वजह से वो अपने मिशन में नाकाम रहे। अगर ये सब काफी नहीं तो इंग्लैंड की आर्मी के पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग और जदीद वेपन्स हैं, क्योंकि इंग्लैंड का डिफेंस बजट 48 बिलियन यूएस डॉलर है और बजट के हिसाब से इंग्लैंड की आर्मी दुनिया में नंबर 5 पर है। इंग्लैंड का पावरफुल अलाई यूएसए भी इंग्लैंड को मजीद मजबूत बनाता है। यूएसए इंग्लैंड की किसी भी मुश्किल सिचुएशन में मदद करने के लिए एक मिनट भी नहीं सोचेगा, इसलिए इंग्लैंड के ऊपर दावा बोलना भी इम्पॉसिबल है। कनाडा भी नंबर 7 कनाडा। यूएसए का नेबर कंट्री कनाडा, जो कि एक पीसफुल कंट्री माना जाता है क्योंकि इस कंट्री ने आज तक किसी भी कंट्री के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि कनाडा एक कमजोर या अनाड़ी कंट्री है या इसको लड़ना नहीं आता। कनाडा की ज्योग्राफिक लोकेशन कनाडा के लिए एक शील्ड की तरह है, क्योंकि कनाडा एरिया के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा कंट्री है। कनाडा की एक साइड पर यूएसए है और बाकी तीन साइडों पर अटलांटिक और पैसिफिक ओशन है, और सर्दियों में इस समुद्र का पानी -30 डिग्री तक फ्रीज हो जाता है। इस कंट्री का सर्द मौसम और ना ख़त्म होने वाली स्नो दुनिया की बेहतरीन आर्मी को भी हारने पर मजबूर कर सकती है। तो इस तरह कनाडा पर हमला करना या कब्जा करना इम्पॉसिबल है। जापान नंबर 6 जापान। जापान भी एक आइलैंड कंट्री है। जापान जितना छोटा है उतना ही पावरफुल है। जापान के पास दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जापान का मिलिट्री बजट 50 बिलियन यूएस डॉलर है। जापान के पास दुनिया की एडवांस वेपन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जापान अपने तकरीबन तमाम हथियार खुद बनाता है। जापानी लोग अगर लड़ना शुरू कर दें तो उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। 1945 में यूएसए ने जापान को एटम बम गिराकर रोका था, वरना अगर जापान तब ना रुकता तो आज जिस जगह पर यूएसए है वहां पर जापान होता। इसके अलावा जापान की आर्मी भी बहुत प्रोफेशनल और टफ है, जो हर तरह की फौज का सामना कर सकती है। इसके अलावा यूएसए वर्ल्ड वॉर टू के बाद से जापान का दोस्त है। जापान में जंग की सूरत में यूएसए जापान का पूरा साथ देगा। इस तरह जापान पर हमला करना या जापान पर कब्जा करना इम्पॉसिबल है। इसराइल एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन उतना ही पावरफुल भी है। इसराइल के बहुत से दुश्मन कंट्रीज हैं, लेकिन आज तक कोई कंट्री इसराइल के आगे टिक नहीं पाया। इसराइल में 1949 के बाद एक लॉ बनाया गया जिसमें इसराइल के हर सिटीजन को आर्मी की ट्रेनिंग लेना जरूरी है। इसराइल में रहने वाले हर शख्स ने आर्मी की ट्रेनिंग ली हुई है। इस तरह इसराइल के पास 16 लाख ट्रेंड रिजर्व सोल्जर्स हैं। इसके अलावा इसराइल के पास 400 न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद दुनिया की टॉप 10 इंटेलिजेंस एजेंसीज में आती है। इसके अलावा यूएसए की फुल सपोर्ट भी इसराइल को हासिल है। इस तरह इसराइल के साथ जंग लड़ना इम्पॉसिबल है। नंबर 4 पाकिस्तान। पाकिस्तान दुनिया में एक पावरफुल इस्लामिक कंट्री है। पाकिस्तान अकेला मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन मिलिट्री पावर है। पाकिस्तान दुनिया का वो पहला कंट्री है जिसका आर्मी सुसाइड रेट 0 है। पाकिस्तान के पास दुनिया की हाईली ट्रेंड एलीट फोर्स SSG है। SSG कमांडोज को दुनिया की मुश्किल तरीन सर्वाइवल और अटैक ट्रेनिंग दी जाती है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI भी दुनिया की टॉप 10 इंटेलिजेंस एजेंसीज में शामिल है। इंडिया जिसके साथ चाइना भी बात करते हुए घबराता है, लेकिन पाकिस्तान कई दफ़ा इंडिया से जंग कर चुका है। इंडिया के अलावा और भी बहुत से कंट्रीज हैं जिनके पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, जैसे ईरान, अफगानिस्तान, इसराइल और रशिया। लेकिन अगर इन सब के बावजूद पाकिस्तान अभी तक दुनिया के नक्शे पर है, तो मतलब साफ है कि पाकिस्तान पर हमला करना, पाकिस्तान के साथ जंग लड़ना या पाकिस्तान पर कब्जा करना नामुमकिन है। नंबर 3 इंडिया। इंडिया का एरिया ही दुश्मन को पीछे भगाने के लिए काफ़ी है। इंडिया का डिफेंस बजट 66 बिलियन यूएस डॉलर है। इस तरह इंडियन आर्मी दुनिया की 5वीं पावरफुल आर्मी है। इंडिया के पास 15 लाख एक्टिव मिलिट्री सोल्जर्स हैं और रिजर्व में 11,55,000 सोल्जर्स हैं। अगर जरूरत पड़े तो इंडिया में 33 करोड़ लोग मिलिट्री के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा इंडिया के पास 160 न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, जिनकी वजह से इंडिया के साथ कोई भी कंट्री उलझना नहीं चाहेगा। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पूरी दुनिया में फैली हुई है।
इंडिया के बारे में दूसरे कंट्रीज में क्या प्लान बन रहे हैं। रॉ की वजह से इंडिया को उन सब के बारे में पहले से ही पता चल जाता है। इंडिया के पास 10,000 से ज्यादा टैंक्स और फाइटिंग व्हीकल्स हैं और इंडिया के पास 2,500 से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा इंडिया को दुनिया के पावरफुल कंट्रीज जैसे यूएसए, जापान, इसराइल, ईरान और फ्रांस जैसे कंट्रीज की फुल सपोर्ट हासिल है। इस तरह इंडिया को जंग के जरिए हराना और इंडिया पे कब्जा करना इम्पॉसिबल है। नंबर टू, रशिया। दुनिया का एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कंट्री, जिसके आगे हिटलर और नेपोलियन ने भी घुटने टेक दिए थे। रशिया की जियोग्राफी भी रशिया के लिए एक शील्ड है, क्योंकि रशिया चारों तरफ से जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसके अलावा रशिया का क्लाइमेट भी दुश्मन को सख्त सर्दी की वजह से फ्रीज कर सकता है। रशिया के पास दुनिया की दूसरी पावरफुल आर्मी है। रशिया के पास 850,000 एक्टिव मिलिट्री सोल्जर्स हैं, 3,500 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं, 22,700 बैटल टैंक्स हैं और 6,500 से ज्यादा टैंक्स हैं। रशिया पर वही कंट्री हमला कर सकता है या कब्जा कर सकता है जिसके पास रशिया जैसी मिलिट्री पावर हो। नंबर वन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए आज की तारीख में दुनिया का सबसे मजबूत कंट्री है। यूएसए का डिफेंस बजट दुनिया में सबसे ज्यादा है। यूएसए का डिफेंस बजट 748 बिलियन यूएस डॉलर है। यूएसए के पास 14 लाख एक्टिव मिलिट्री सोल्जर्स हैं, 860,000 रिजर्व सोल्जर्स हैं, 13,264 टोटल एयरक्राफ्ट हैं, 6,290 कॉम्बैट टैंक्स हैं और 6,185 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसके अलावा यूएसए के पास दुनिया की टॉप रैंक इंटेलिजेंस एजेंसी CIA है, टॉप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी FBI और टॉप एलीट सर्विस फोर्स सील भी है। ये सब मिलकर यूएसए को पावरफुल बना देते हैं कि यूएसए पर हमला करना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम होगा। जिनको इन्वेड करना यानी इन पर जंगी हमला करना मुश्किल भी। तो गाइस यहीं पे वीडियो खत्म हो गई यार। चाइना नहीं आया, मैं सोच रहा हूँ चाइना तो काफी तरक्की पर देते हैं, अच्छी करते हैं, लेकिन चाइना क्यों नहीं आया यार, उसपे तो स्ट्रांग है वो कंट्री काफी। तो गाइस देख लिया आप लोगों ने वीडियो, बहुत ही अच्छी वीडियो लगी एंड आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड मैं इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग प्लीज बताइएगा ये वीडियो के एंड ये टॉप 12 पाकिस्तान में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है तो मैं मानता हूँ, भले ऐसे गरीब है लेकिन मिलिट्री उसकी बहुत मजबूत है। सर डिफेंस पहली इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।